हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल व्योम किड्स एजुकेशन में। और मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आपको ईवीएस के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने के लिए। और आज हमारा टॉपिक बहुत ज़्यादा बेसिक इन्फॉर्मेशन है एंड यू शुड नो अबाउट दैट थिंग। So let's start, and before starting the video, please subscribe my channel. So today our topic is the earth and the sky. Yes, in this video we will study in detail the earth and the sky. What is the earth and what is the earth covered with? The earth is covered with two things. I will to tell you about it and the sky in detail. So let's start. Firstly, we will study about the earth. What is the earth and what are the special qualities of the earth? We will study it in detail. So let's start my topic. We live on the earth. हम अर्थ पर रहते हैं। It is covered with land and water. और वह धरती और पानी से covered हुई भी होती है। कौन covered हुई होती है? अर्थ। It has more water than land. और हमारी अर्थ पर धरती से ज़्यादा पानी होता है। The earth has air, water, heat, light, which help plants and animals live. धरती पर, अर्थ पर एयर होती है, वाटर होता है, हीट होती है और लाइट होती है, जो कि प्लांट्स और एनिमल्स को जीवित रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आप अर्थ की पिक्चर दे सकते हैं। ब्लू पार्ट इज़ वाटर एंड ग्रीन पार्ट इंडिकेट्स द लैंड। नाउ वी विल स्टडी अबाउट अ ग्लोब। हैव यू सीन अ ग्लोब? क्या आपने कभी ग्लोब देखा है? अ स्फेयर शेप्ड मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द ग्लोब। एक स्फेयर शेप्ड का जो छोटा मॉडल होता है अर्थ का, उसे ग्लोब कहा जाता है। इफ़ यू टर्न द ग्लोब, अगर आप ग्लोब को मोड़ेंगे, इट्स स्टार्ट स्पिनिंग, वह घूमना स्टार्ट हो जाता है। द अर्थ स्पिन्स द सेम वे जस्ट लाइक अ टॉप। और अर्थ इस तरह से घूमती है जैसे कि एक लट्टू घूमता है। और आप इस पिक्चर में ग्लोब को देख सकते हैं। दिस वन इज द पिक्चर ऑफ ग्लोब एंड इफ़ यू टर्न दिस इट स्पिन्स लाइक अ टॉप। अगर आप इसे टर्न करेंगे तो वो टॉप की तरह घूमेगा, लट्टू की तरह घूमेगा। द लैंड, लैंड हैज़ मैनी शेप्स एंड फॉर्म्स। लैंड की बहुत सारी शेप्स होती हैं और बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं। इट हैज़ फॉरेस्ट एंड फ्लैट लैंड। कुछ जगह जंगल होता है और कुछ जगह फ्लैट लैंड होती है। इन सम प्लेसेस इट इज़ रेज्ड, और कुछ जगह वो उठी हुई होती है। सो फर्स्टली वी विल स्टडी अबाउट द फॉरेस्ट। व्हाट इज़ फॉरेस्ट? यू आर वॉचिंग दिस पिक्चर और आप जान ही गए होंगे कि फॉरेस्ट क्या होता है। आई विल टेल यू द डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट। एन एरिया ऑफ लैंड वेयर मैनी ट्रीज ग्रो इज कॉल्ड फॉरेस्ट। लैंड का एक ऐसा एरिया जहाँ पर बहुत सारे पेड़ उगे होते हैं, उस एरिया को हम फॉरेस्ट कहते हैं। मैनी एनिमल्स इन अ फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट में बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं। एग्जाम्पल लॉयन, टाइगर, दीज एनिमल्स लिव इन फॉरेस्ट। नाउ वी विल स्टडी अबाउट अ प्लेन। दिस इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ अ लैंड। ये भी लैंड का एक फॉर्म होता है, प्लेन। प्लेन जैसा कि आपको वर्ड से ही पता चल रहा है, दैट वन इज अ प्लेन। सो आई विल टेल यू द डेफिनेशन ऑफ प्लेन। फ्लैट लैंड्स आर कॉल्ड प्लेन्स। जहाँ बिल्कुल फ्लैट, बिल्कुल एक सार धरती लैंड होती है, उसे प्लेन्स कहा जाता है। ना वो ऊपर उठी हुई होती है, ना वो नीचे धसी हुई होती है, बिल्कुल फ्लैट लैंड होती है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द हिल्स।
और आप पिक्चर भी देख पा रहे होंगे हील्स की। एंड व्हाट आर हील्स आई विल टेल यू। रेज्ड बट नॉट वेरी हाई पार्ट्स ऑफ लैंड आर कॉल्ड हील्स। जो हील्स होते हैं वो उठे हुए तो होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा उठे हुए नहीं होते हैं, थोड़े थोड़े से उठे होते हैं और वो धरती थोड़ी थोड़ी सी उठी होती है, बहुत ज़्यादा ऊंचे उठे हुए नहीं होते, तो उस पार्ट को हम हील्स कहते हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट माउंटेन्स। अभी आपने पढ़ा फॉरेस्ट, प्लेन, हील्स एंड नाउ वी विल स्टडी अबाउट माउंटेन्स। व्हाट आर माउंटेन्स? Raised in very high parts of land are called mountains. ये hills के opposite होते हैं। मैंने hills का बताया था कि वो उठे होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा उठे हुए नहीं होते, उन्हें hills कहा जाता है। लेकिन जो mountains होते हैं वो उठे होते हैं, बहुत ज़्यादा ऊँचे उठे होते हैं, उन्हें mountains कहते हैं। Now we will study about valleys. What are valleys? We will study about it and you can see the picture of valleys. It's a very beautiful picture. There are valleys between the hills and the mountains. और जो hills और mountains के बीच में part होता है land का, उसे valley कहा जाता है। और आपने अभी picture में देखा एक side hills है, एक side plains है, सॉरी एक साइड हिल्स है और एक साइड माउंटेन्स है, और उनके जो बीच का पार्ट है वो वैलीज है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट डेजर्ट। व्हाट आर डेजर्ट? आई विल टेल यू। लैंड विच इज ड्राई एंड कवर्ड विद सैंड इज कॉल्ड अ डेजर्ट। एक ऐसी धरती जो कि बहुत ज़्यादा सूखी होती है और बहुत ज़्यादा मतलब रेत से ढकी हुई होती है, उसे डेजर्ट कहा जाता है। वहाँ पानी की भी कमी होती है और बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, और वहाँ पर कैमल्स पाए जाते हैं, और ये एरिया ऑलमोस्ट राजस्थान में पाया जाता है। नाउ वाटर ऑन अर्थ। अब पानी अर्थ पर मिलता है, किन किन फॉर्म में मिलता है? वाटर इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ इन रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, सीज एंड ओशियंस। पानी कौन कौन से रूप में मिलता है? रिवर्स में मिलता है, झीलों में मिलता है, तालाबों में मिलता है, समुद्र में मिलता है, और बहुत सारे जगहों पर हमें पानी मिलता है। इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन द फॉर्म ऑफ स्नो ऑन माउंटेन्स। और वह हमें बर्फ के रूप में भी मिलता है माउंटेन्स पर। वाटर इज़ ऑल्सो फाउंड अंडर द ग्राउंड। पानी हमें धरती के अंदर से भी मिलता है। मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन वाटर। बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स हमें पानी में ही जीवित रहते हैं। एंड यू कैन सी दीज पिक्चर्स, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, ओशियंस, सीज, दीज ऑल द पिक्चर्स ऑफ द सोर्सेस ऑफ वाटर। We get water from these sources. Now we will study about the sky. अब हम sky के बारे में पढ़ेंगे कि sky कैसा होता है और sky में हम क्या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं। So what is the sky? Firstly we will study about it. The space above the earth is the sky. जो अर्थ के ऊपर का स्पेस होता है उसे स्काई कहा जाता है। वी कैन सी द सन, द मून, द स्टार्स एंड द क्लाउड्स इन द स्काई। और हम स्काई में क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं? सन, सूरज देख सकते हैं, मून, चंद्रमा देख सकते हैं, स्टार्स, तारे देख सकते हैं, एंड द क्लाउड्स और बादल देख सकते हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द डे स्काई। दिन में आसमान कैसा होता है और हम दिन में आसमान में क्या क्या देख सकते हैं? ड्यूरिंग द डे द सन शाइन्स ब्राइटली इन द स्काई। जब दिन में होता है तो दिन में आसमान में बहुत तेज सूरज चमकता है। द स्काई अपीयर्स ब्लू, और आसमान नीला दिखाई देता है। वी सी वाइट फ्लफी क्लाउड्स इन द स्काई, और हम आसमान में कभी कभी सफ़ेद कलर के क्लाउड्स भी देख सकते हैं। समटाइम्स वी सी अ रेनबो इन द स्काई।
आफ्टर इट रेन्स, और कभी कभी हम आसमान में बारिश होने के बाद रेनबो भी देख सकते हैं। इट हैज़ 7 कलर्स, और रेनबो में 7 कलर्स होते हैं। एंड यू कैन सी द पिक्चर ऑफ द रेनबो, देयर आर 7 कलर्स इन अ रेनबो, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो एंड मैनी मोर कलर्स इन दिस रेनबो। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द नाइट स्काई। अभी आपने पढ़ा द डे स्काई, डे में किस किस टाइप का स्काई होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब हम पढ़ेंगे द नाइट स्काई। सो एट नाइट द स्काई इज डार्क, जब रात होती है तो आसमान बिल्कुल डार्क कलर का हो जाता है। स्टार्स ट्विंकल, तारे चमकते हैं। एंड द मून शाइन्स इन द नाइट स्काई, और रात में, दिन में तो सूरज चमकता है लेकिन रात में चंद्रमा चमकता है। द शेप ऑफ मून चेंजेस एवरी नाइट, और हर रात को मून की शेप चेंज होती रहती है। वी कैन नॉट सी द सन एट नाइट, और हम रात को सूरज को आसमान में नहीं देख सकते हैं। डेज एंड वीक्स, अब हम पढ़ेंगे कि कितने डेज होते हैं और कितने वीक्स होते हैं। वन डे इज इक्वल टू 24 आवर्स, एक दिन 24 आवर्स के बराबर होता है। इट हैज़ मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट, और दिन में 4 टाइम होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मॉर्निंग होती है, आफ्टरनून दोपहर होती है, इवनिंग शाम होती है, नाइट और रात होती है। अ पीरियड ऑफ 7 डेज फ्रॉम मंडे टू संडे फॉर्म्स 1 वीक, एक जो 7 दिन का पीरियड होता है मंडे से लेकर संडे तक, उसे क्या कहा जाता है? 1 वीक। नाउ वी विल स्टडी अबाउट दीज डेज, व्हाट आर द नेम ऑफ दीज डेज इन अ वीक। द डेज ऑफ द वीक आर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ये हफ्ते के दिनों के नाम हैं, एंड ये हिंदी में है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार एंड रविवार। वन ईयर हैज़ 365 डेज, एक साल में 365 डेज होते हैं। एंड 52 वीक्स, और 52 हफ्ते होते हैं। सो आज आपने पढ़ा अर्थ के बारे में और स्काई के बारे में, और आपने जनरल इन्फॉर्मेशन भी प्राप्त की कि कितने डेज और कितने वीक्स और क्या क्या नेम होते हैं उन डेज के। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू वंस अगेन।